आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में वीरवार को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जॉब फेयर का उद्घाटन कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोयल और रोजगार अधिकार गौरव चौहान ने किया। कॉलेज चेयरमैन ने इस मौके पर बताया कि कॉलेज में समय समय पर इस तरह के जॉब फेयर्स का आयोजन किया जाता है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। रोजगार कार्यालय समालखा द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 500 से 600 प्रार्थियों ने हिस्सा लिया और 13 कंपनीज यहाँ अलग अलग शहरों से आई है, जिससे प्रार्थियों बेरोजगार प्रार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिला एक ही छत के नीचे। और हमें उम्मीद है कि हर कंपनी की कम से कम 5 से 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करके लेकर जाएगी और बाकी जो फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। इस जॉब फेयर में 650 से ज्यादा छात्र छात्राओं के कई पदों के लिए जीडी और साक्षात्कारों का आयोजन किया गया। वहीं इस जॉब फेयर के दौरान 65 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर चयन कर लिया गया है। विभिन्न कंपनियों ने 4.5 लाख तक के पैकेज छात्रों को ऑफर किए। वहीं छात्रों ने बढ़ चढ़ कर इस जॉब फेयर में हिस्सा लिया। कैंपस समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ये जॉब मेले का आयोजन किया गया है। इसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया है इकट्ठे और तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इन बच्चों के अंदर से हमें जो लग रहा है अभी जो इनिशियल हमारी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है 65 के करीब हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये विशेष उपलब्धि है समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की कि हम हर साल इस तरह का एक आयोजन ज़रूर करते हैं सो दैट बच्चों को रोज़गार के जो अवसर हैं वो टाइम से और अच्छे से प्राप्त हो। ये डायरेक्ट कंपनी से लोग हैं, हमने इसमें कोई मीडिएटर नहीं बुलाया हुआ है, डायरेक्ट कंपनी से लोग आए हैं। इसमें डायरेक्टली आपको कंपनी से ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आपको बता दें कि ये जॉब फेयर का आयोजन रोजगार विभाग हरियाणा और finjobs.com की ओर से कॉलेज के साथ मिलकर आयोजित करवाया गया। सत्य खबर सभी चयनित हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। सत्य खबर के लिए समालखा से रघुनंदन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।